भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है वैसे उसे हताशा उनकी बढ़ती जा रही है और ईडी के माध्यम से राज्य सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। मैं पहले भी बताया था अब ईडी स्थायी रूप से ईडी आईटी के लोग स्थायी रूप से रहेंगे और जैसे जैसे चुनाव होगा ये लोग नए नए षड्यंत्र करेंगे। जहां तक के शराब की बात है, शराब कारपोरेशन के माध्यम से जो विक्रय का निर्णय है वो रमन सिंह की सरकार में हुआ 2017 के राज्य के शराब के राजस्व में कमी का जो आरोप ईडी ने जो लगाया है वो पूर्णतः मनगढ़ंत है। जब आपके राजस्व में डेढ़ गुना वृद्धि हो गई, डेढ़ गुना से अधिक, तो फिर आपका आरोप तो ऐसे ही मिथ्या हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ईडी काम कर रही है, उसको मदद करना उनका काम है। अभी लगातार इस प्रकार से और भी ये षड्यंत्र ये लोग करेंगे। अब ये लोग भी अधिकारी हैं, जैसे यहां का अधिकारियों को प्रताड़ित करके जबरदस्ती हस्ताक्षर करा रहे हैं, तो ये भी अधिकारी ही हैं, इनके ये परिवारदार हैं, इनको भी मजबूरी में ये लोग यहां हैं। अब तीन तीन साल से यहां बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं, बस उसी को बुलाना, उसी को पकड़ना, उसी को नोटिस देना, उसी को बयान लेना और घंटों बिठाए रखना, दो ठोक सवाल रहेंगे और सुबह से बुलाए रहेंगे 10 बजे 11 बजे से रात को 2 बजे छोड़ रहे हैं, उससे कितना है 2 सवाल, 5 मिनट काम है। लेकिन वो परेशान करना कि ईडी कार्यालय में फलाने को बुला लिया गया, तो ये दहशत फैलाने का काम कर रहा है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, ये लोग कितना भी कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है और ऐसे षड्यंत्रों को पहले भी बेनकाब कर चुके हैं हम लोग और आगे भी हमारी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी ऐसे गिदड़ भमकी से डरने वाले नहीं है।